सेवंथ में हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कर रहे थे, कल ही इसके रूल लिखे थे, वाक्य किए थे हमने कि प्रश्न आंसर से प्रश्न कैसे बनाया जाता है, इसके तरीके कितने हैं, क्या नियम लगाना है। जैसे पहला वाक्य देखते हैं, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो प्रश्न पूछने वाला क्या पूछेगा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब यस या नो से शुरू हो वाक्य है, तो सबसे पहले अपने को देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है यहाँ पर, देखो एम आ रही है। ये एम क्या है, अपनी सहायक की। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये एम किसके साथ आ रहा है, आई के साथ। अपने को यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी थी कि आई और वी हो तो उसको किस में बदलना है, यू में, और U के साथ M नहीं आता, इसलिए I के साथ जो M आया है U के साथ R आता है, तो पर्सन पहले R से शुरू हो जाएगा। I बदल गया U में, आर यू, फिर पीछे से उतार दो सारा, आर यू गोइंग टू स्कूल, और पर्सन वाचक चिन्ह लगा, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। प्रश्न आया यस, आंसर आया यस, आई एम गोइंग टू स्कूल। बस ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, यस आई डू एक्सरसाइज डेली, हाँ मैं एक्सरसाइज रोज करता हूँ, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा, आप कहोगे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड, और कोई मॉडल आ जाए या डू डज डिड आ जाए, उनको भी हमें क्या करना है, आगे ले जाना है। यहाँ क्या आ रहा है, डू आ रहा है, डू किसके साथ आ रहा है, आई के साथ। आई बदलना किस में है, यू में, यू के साथ भी डू ही आता है, तो इसीलिए वापस आ गया डू। आई बदल गया किस में, यू में, डू यू, फिर आया एक्सरसाइज, बाकी उतारना होता है, डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, तो आंसर आ गया यस मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। आगे बात, और मैं दोनों में, इसमें एम था लेकिन यू के साथ आर आता है, इसलिए आर लगा दिया। यहाँ पर आई के साथ डू लगता है तो यू के साथ भी डू लगता है, यू में बदला तो डू ही लगेगा, ध्यान रखना है। यस आई हैव सीन एन एरोप्लेन, हाँ मैंने एक एरोप्लेन देखा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, गौर करो, हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो किसके साथ, आई के साथ। आप कहोगे आई को वी को तो बदलना किसमें है, यू में, तो यू के साथ भी हैवी आता है, इसलिए पहले आ जाएगा हैव। सब्जेक्ट गौर कर लेना बस, क्या आ रहा है, आई किसमें बदल गया, यू में, हैव यू सीन एन, बाकी उतारना है। बस समझने वाली बात आगे आगे है, ध्यान रखना, यस या नो चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है, आगे लगाना है। अगला आ रहा है, नो ही डिड नॉट बाय ए कार, नहीं उसने एक कार नहीं खरीदी। अब गौर करो, यहाँ नो आ रहा है, यहाँ डिड नॉट आ रहा है, तो वाक्य में डू आया, वैसे ही डू डज और डिड आए तो उनको आगे ले जाएंगे, तो सबसे पहले आ गया डिड, डिड आगे आ गया। सब्जेक्ट क्या है, ही, आई को बदलना है, वी को बदलना है, यू में, बाकी नहीं बदलना है। डिड ही, इसमें नॉट को और नो को नहीं लिखते, डिड ही बाय ए कार, तो आंसर आ गया नो ही डिड नॉट बाय ए कार। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, नो और नोट को नहीं लिखना है। यस मोहन इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, हाँ मोहन एक ईमानदार विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, ईज आ रही है, सॉरी, तो मोहन के साथ ईज आ रहा है तो ईज आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन ही रहेगा। इज मोहन एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, देखो समझ में नहीं आया है तो क्या समझ में नहीं आया, इस पर गौर करें, आराम से इजीली वाक्य बना सकते हैं। बस एक आई को वी को यू में बदलना, ये ध्यान रखना, उसके साथ यू के साथ आर लगता है तो वो ध्यान रखना है, बाकी हम आगे हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर जा रहे हैं। नो वी डिड नॉट सी द सर्कस, ये देखो सेम वाक्य आ गया, पीछे नो आ गया, डिड नॉट आ गया, आगे ना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वी आ रहा है, वी को भी यू में बदलना है, आई को भी यू में बदलना है, तो डिड हो तो डिड आगे आ जाएगा, डिड V को बदल दिया U में, डिड यू, नॉट लिखना नहीं है, नो लिखना नहीं है, डिड यू सी द सर्कस, कोई कठिन चीज नहीं है, डिड लगा दिया आगे, नॉट वगैरह हटा दिया, V को U में बदल दिया, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। यस आई सॉ द सर्कस, अब यहाँ आओगे तो आपकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब गौर करो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई सॉ द सर्कस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने कहा था जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो किसको देखते हैं, वर्ब को देखेंगे। वर्ब में क्या देखना है,
वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो किसका प्रयोग करना है, डू या डज का, और सेकंड फॉर्म है तो किसका प्रयोग करना है, डिड का। बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सा है, सी की फर्स्ट फॉर्म, सी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सा, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सीन। तो ये सा जो है कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे। हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गौर कर ले, वहां पर डिड आया था तो डिड आगे आएगा, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म आई है तो डिड का प्रयोग करेंगे। आई किस में बदल गया, डिड यू, और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डिड यू सी द सर्कस। एक ये नियम ध्यान रखना है, डिड के पश्चात, यहाँ सेकंड है लेकिन डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। डिड यू सी द सर्कस, ना कि सा द सर्कस, ध्यान रखना। यस ही हैज ईटन फूड, हैज आ रहा है, सीधी सीधी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, हैज का हैज आ जाएगा, ही आ गया, ईटन आ गया, फूड आ गया, इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, पहले कर लिया हमने, कल भी कर लिया, सरल वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब आती, आगे ले जाओ, सब्जेक्ट उतार दो। अगला देखो समझ में आ जाएगा। एक और आगे कह रहा है, यस मोहन गोज टू मार्केट, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है, गोज, गोज कौन सी फॉर्म होगी, गो के साथ ई एस लगा हुआ है, सेकंड होती तो वेंट होती, थर्ड होती तो गोन होती, यानी ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब कौन सी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो पर्सन वाचक बनाते समय दो लगाएंगे, या तो डू लगाएंगे या डस लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो डस लगाएंगे, बहुवचन होगा आई होगा यू होगा तो डू लगाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन के साथ क्या लगता है, डच, इसलिए सबसे पहले डच लग गया, डच के बाद आ गया मोहन, डच मोहन गो टू मार्केट। ये दो वाक्य समझने के हैं, एक तो ये जिसमें हमने वर्ब को देखा, और एक ये जिसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखा, इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखा, उसके हिसाब से आ लगा, इसमें डिड लगाया और इसमें डू डज के हिसाब से डज लगाया क्योंकि सिंगुलर है। तो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन का पार्ट आपका हो गया, ये आपको कॉपी में करके देखना है। धन्यवाद।